ये सोन पपड़ी, ये सोन जो खराब हो चुकी है, जो पुरानी या कुछ रिजेक्टेड है, उसको भी ये मिक्स करके रिसाइकल करने की बात कर रहे हैं। देखने में बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है, देखिए देखते ही मन कर जाए कि इसको खा ले हम। देखो रिफाइंड देख लो, सबसे पहले तो इसकी खूबसूरती देखो कि ये कितना देखने में अच्छा लग रहा है। इस रिफाइंड से ही ये मिठाइयाँ तैयार की जा रही थी, जिन्हें शुद्ध मिठाइयाँ कहकर बेचा जाता है, बाजार में परोसा जाता है। ये दिखाई दे रही है, हकीकत तो ये है, पुरानी चीनी है। ये चीनी पुरानी चीनी है, पूरी तरह से एकदम जैसे इसमें पानी भर के डाल दिया। हिसाब से ये पुरानी रिजेक्टेड चीनी होती है, हाँ। जो ऐसे मैन्युफैक्चरर लोग अपने यहाँ सप्लाई में ले आते करा रहे हैं। क्या क्या कमियाँ बताएं? चीनी है वो खराब है, जो रिफाइंड है वो खराब है, जो ये खराब हो चुका होता है, ये जो है घी एक्सपायर्ड का मैं थोड़ा सा तारिक भाई आप खुद ही बताइए। अगर घी एक्सपायर्ड है चलिए आगे से नहीं लगाएंगे, नहीं, चीनी नहीं, खराब है आगे से नहीं लगाएंगे, चीनी को वो माल खराब दिखाई दे गया मौके पर, ये पहुंच गए यहाँ पर तो आप आगे से ये नहीं, तो फिर आगे से क्या लगाएंगे? दोस्तों मैं इस वक्त बुलंदशहर के भूड़ बीसा में मौजूद हूँ। दिवाली का सीजन चल रहा है और त्यौहार के इस सीजन में कुछ ऐसी मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं जो हम लोगों को तो पता नहीं होता कि इसके अंदर एक तरह से जहर मिला हुआ है, मगर मैं आपको आज वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। खाद्य विभाग की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की है, अभी भी छापेमारी जो है वो चल रही है। इनका कहना है कि जो एक्सपायर्ड घी है 9 महीने पहले उसकी डेट ख़त्म हो गई, मगर उसी से यहाँ पर बिस्किट बनाए जा रहे थे, ये बिस्किट सामने दिखाई दे रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो सोन पपड़ी हम लोग एक दूसरे को दिवाली पर सबसे ज़्यादा भेंट के रूप में देते हैं उसे भी बनाया जा रहा था। मैं दिखाऊंगा आपको आज यहाँ पर, ये दिखाइए थोड़ा सा, ये क्या चीज़ है? बेसन। हाँ ये बेसन है, तो इसमें क्या कमी नज़र आई वो तो सर बताएंगे जी। नहीं ये सीज आपने जैसे किया है, मैंने घी, घी का क्या मामला है? घी जो आप बता रहे हैं कि घी एक्सपायर्ड हुआ है, हम बाइट देने के लिए दिख रहे हैं सर। चलिए मैं उन्हीं से बात करूँगा। सर क्या मामला है आज यहाँ पे? हाँ यहाँ ये बेकरी चलाई जा रही थी और सोन पापड़ी बिस्किट और बाकी चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो यहाँ काफ़ी अनियमितता मिली है, गंदगी की स्थिति बहुत ज़्यादा है, और जो घी का बता रहे हैं कि एक्सपायर्ड मिला है। हाँ जो ये वनस्पति है ये 9 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है, हाँ। और इसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। इसके हम जांच करा रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहा था जी, वहाँ भी हम चेक करा रहे हैं कि ये बिल इनके यहाँ 15 दिन पहले ही आया है या ये इनके यहाँ एक्सपायर हुआ है। सोन पपड़ी की हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा त्यौहार पर यही सर लेन देन चलता है इसका, तो ये सोन पपड़ी जो बन रही थी वो इसी से बन रही थी और कुछ वहाँ? देखिए सोन पपड़ी बनाने में ये बेसन, मैदा, रिफाइंड ऑयल है, वनस्पति भी कुछ इसमें मिला रहे हैं, तो सारी चीज़ें मिक्स करके की जा रही हैं, साथ में जो चीनी है जिससे सोन पापड़ी बना रहे हैं, चीनी की स्थिति बहुत खराब है, चीनी इस, हाँ मॉइस्चर थोड़ा सा दिखा दें एक बार क्या आपने देखा है, आओ थोड़ा सा जी। ये जो है ये सब क्या है? सब मिक्स किया जा रहा है। ये सोन पपड़ी, ये सोन जो खराब हो चुकी है, जो पुरानी या कुछ रिजेक्टेड है, हाँ। उसको भी ये मिक्स करके रिसाइकल करने की बात कर रहे हैं, साथ में ये रिफाइंड ऑयल इनका रखा हुआ। देखो रिफाइंड देख लो, सबसे पहले तो इसकी खूबसूरती देखो कि ये कितना देखने में अच्छा लग रहा है। इस रिफाइंड से ही ये मिठाइयाँ तैयार की जा रही थी, जिन्हें शुद्ध मिठाइयाँ कहकर बेचा जाता है, बाजार में परोसा जाता है। ये क्या है इधर? चीनी दिखा दो भैया, चीनी भी दिखा दो। ये देखो चीनी, अब ये कट्टा पूरा देख लो आप, ये देखो ये चीनी है, ये चीनी जो है सर, चीनी क्या है जो है गीली दिखाई दे रही है हमें, तो ये चीनी का जो इसमें शक है इसके बोरे के हिसाब से ये पुरानी रिजेक्टेड चीनी होती है, हाँ। जो ऐसे मैन्युफैक्चरर लोग अपने यहाँ सप्लाई में ले आते हैं, अच्छा। इससे इनको ये थोड़ी सस्ती पड़ती होगी, हाँ। और ये मिलाने के बाद जो बनने का है, हाँ। उस पर कोई पता नहीं चलता बाद में। देखो ये दिखाई दे रही है साफ, ये दिखाई दे रही है, हकीकत तो ये है, पुरानी चीनी है। ये चीनी पुरानी चीनी है, पूरी तरह से एकदम जैसे इसमें पानी भर के डाल दिया हो, नहीं कहीं मॉइस्चर पकड़ जाती है वहाँ जी में, उसकी वजह से ये। अच्छा और सर क्या कमी है? देखिए कमी क्या, जो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट जिस हिसाब से होना चाहिए उस स्थिति में है नहीं, तो इसको अभी हम लोग बंद करा रहे हैं। क्या क्या कमियाँ बताएं? चीनी है वो खराब है, जो रिफाइंड है वो खराब है, जो ये खराब हो चुका होता है, ये जो है देखो वहाँ रखा हुआ है, वो भी अभी तोल भी चल रही थी शायद इसकी, वो सब मिला जुला के जो है बना देते हैं आप। चलिए मालिक से भी बात करेंगे। आप है भैया यहाँ पे, क्या नाम है? मेरा नाम आरिफ मलिक है।
आरिफ बताइए, आरिफ भाई क्या मामला है, ये इस तरह का माल आप बना रहे थे बाजार में? ये जो चीजें बनाते हैं जैसे टूट जाती है थोड़ी बहुत, तो हम इसको लगाते थे, सर कहेंगे तो आगे से नहीं लगाने के इसको। चीनी में मॉइस्चर मौसम की वजह से थोड़ा बहुत आ जाता है, चीनी ऐसी चीज़ है। अगर एक चम्मच रिफाइंड, इतना गंदा है रिफाइंड पामोलिन है सर, इसी कलर का होता है हमेशा से। अच्छा, आप कहीं भी पामोलिन देखेंगे इसी कलर का मिलेगा आपको। अच्छा, और जो घी एक्सपायर्ड है? घी एक्सपायर्ड का मैं थोड़ा सा बताइए, भाई आप खुद ही बताइए, अगर घी एक्सपायर्ड है चलिए आगे से नहीं लगाएंगे, नहीं, चीनी खराब है आगे से नहीं लगाएंगे, चीनी वो माल खराब दिखाई दे गया मौके पर, ये पहुंच गए यहाँ पर, तो आप आगे से ये नहीं, तो फिर आगे से क्या लगाएंगे? अगर हम चीनी को कहें, चीनी में अगर एक चम्मच पानी गिर जाएगा तो चीनी में मॉइस्चर सारी में आ जाएगा। चीनी तो इस मौसम में मॉइस्चराइज हो जाती है, चीनी सील जाती है थोड़ी सी। अच्छा दिखाइए थोड़ा क्या क्या बना रहे हैं आप जो है अपने पास में, ये क्या है? ये सर राजधानी बेसन है, राजधानी बेसन तो सही दिखाई दे रहा है आपको, है? देखो और जांच होने के बाद में मालूम होगा कि कहीं और कोई इसमें कमी हो। हाँ, क्योंकि ये जो चीज का लगा हुआ है, लेकिन अब अंदर क्या है इस चीज को, मैं तो ग्राहक को जांच के लिए ले लिया, जांच के लिए ले लिया सर ने। और ये सब क्या है? ये इसमें मैदा है सर, ये मैदा है जी सर। कमियां तो पाई गई है, जो कमियां हैं वो खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम है यहाँ पर जो पहुंची है, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, कहाँ और अभी भी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर कार्रवाई लगातार जारी है, जो टीम है वो लगातार यहाँ पर जो है अपना काम कर रही है, नमूने यहाँ से ले लिए गए हैं, तमाम जो यहाँ पर चीज़ें बन रही थी खाने के लिए जो डिब्बे पैकिंग चल रहे, मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, कैसे खुलेगा ये, अभी एक डिब्बा खोल के दिखाया था, ये दिखाओ, देखने में बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है, देखिए देखते ही मन कर जाए कि इसको खा ले हम, है ना, बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया, बड़ी खूबसूरती के साथ इसकी पैकिंग की गई, मगर किसी को ये पता नहीं है कि जो 9 महीने पहले घी एक्सपायर्ड हो चुका है, उसी घी से ये मिठाइयाँ जो हैं वो तैयार की जा रही थी, डिब्बे वगैरह में पैकिंग चल रही थी, और जो बिस्किट वगैरह है, ये बिस्किट वगैरह जो है सब बनाए जा रहे थे, ये दिखाने के लिए थोड़ा खूबसूरत करने के लिए इसके ऊपर जो है अच्छी अच्छी चीज़ें लगा दी जाती हैं, ताकि देखते ही इसको खाने का मन करने लगे। एक्सेप्ट किया है यहाँ जो मालिक हैं उन्होंने कि हाँ कुछ कमियाँ हैं, उन कमियों को हम पूरा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो टीम है लगातार अपना काम कर रही है, अब देखने वाली बात ये होगी कि पूरे ज़िले भर के अंदर इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी मिठाइयाँ बना रहे हैं, कहाँ तक उन पर अंकुश लग पाएगा।